जरा मंत्री साहब को फोन दे। अब बोल रहे? अरे क्या बात है वेलजी भाई, आप रो क्यों रहे हैं? अरे रोए नहीं तो क्या करें, हंसे? वो तेरे इंस्पेक्टर ने हमारे वो क्या बोलते हैं तोते उड़ा दिए, तोते। वो हरामी इंस्पेक्टर ने हमारे 3 आदमी मार दिए हैं, उसको जल्दी से जल्दी डिसमिस करो। तुम उसे वर्दी से डिसमिस करो, मैं उसे जिंदगी से डिसमिस करता हूँ। सर आप अब ये सैल्यूट मारने का और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने का अधिकार हमने तुमसे छीन लिया है। ये लो। ये क्या है सर? वो जो तुमने हमारे आदमियों को हमारे कहने पर जेल से रिहा करने के बजाय दुनिया से रिहा करने की बहादुरी दिखाई है, ये उसका इनाम है, तुम्हारा डिसमिस ऑर्डर। मिला रहा हूं, कल के हर अखबार हर न्यूज़पेपर में ये फोटो छापेंगे और ये मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस होगी, मंत्री धर्मचंद की धुलाई। वो धर्मचंद जो धर्म के नाम पर कलंक है। अरे क्या बकवास करते हो भाई, इलेक्शन सर पर है, इन थप्पड़ों के फोटो से तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। तू मेरी कुर्सी छीन रहा है, जनता तेरी कुर्सी छीन लेगी। ठीक है, दिस ऑर्डर इज डिसमिस्ड। पुश। जब इलेक्शन होता है तो कटोरा लेकर वोट मांगने आ जाते हो और काम होता है तो जूते खाकर आ जाते हो। वो कहते हैं ना कि कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। बस वेल जी बस, बहुत बदतमीजी कर ली तूने और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये मेरी कुर्सी है जिसके बलबूते पर तू इतना उछलता है, मैं तुझ जैसे कमीने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान नहीं करूंगा, बल्कि कुर्सी पर तुझे कुर्बान कर दूंगा, समझा? नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। अरे इसको क्या हो गया, क्या बात है भैया, ये मंत्री जी आग बबूला क्यों हो गए? वो कुत्ते को कुत्ता कहा तो गुर्राने लगा ज्यादा। प्रणाम वेलजी भाई। जीते रहो जीते रहो। आलों से भरा हुआ ट्रक बाहर खड़ा है, सब्जी मंडी पहुंचाना है बैराम जी भाई को, जो आलों के बड़े व्यापारी है वहां पहुंचा दो। बैराम जी भाई को बोलना मुझे फोन कर दे। जा। जी हाँ मैं फोन जरूर करवा दूंगा। नमस्कार भैया, इस लौटे के हाथ करोड़ों रुपयों के हथियारों से भरा हुआ ट्रक सौंप रहे आप, क्या हो गया? अरे ये इतना भोला दिखता है कि कोई शक नहीं करेगा कमीने पर। हेलो, मैं अभी बुलाता हूँ। रवि को तो ये भी नहीं मालूम कि उस ट्रक में आलू के नीचे हेरोइन और हथियार है। बेचारा रवि। अच्छा ये बात है, बैठो, तुम इस पे लिखो अपनी कंप्लेन। तुम्हारी इस कंप्लेन पे तुम देखना मैं कैसे वेल जी को ठोकता हूं तेल लगा के, सारे शहर में कुत्ते की तरह घसीटूंगा साले देशद्रोही को। क्या बकते हो, अभी तक ट्रक नहीं पहुंचा तो गया कहां? कहां गया? हेलो वेल जी, 13 हथियारों से भरा हुआ ट्रक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। ये ट्रक वहां कैसे पहुंचा? अरे तेरा वफादार कुत्ता रवि यहां पहुंचा गया। क्या हुआ पापा? अरे दूर हटो यार, हम रवि की होने वाली मौत पर आंसू बहा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करना चाहिए, जो करता है वो मरता है। मार डालो साले को। ये नहीं पापा, मेरे पापा के साथ गद्दारी करने वाले को मैं मारूंगा पापा, मैं। क्या कर रही हो नीलम? क्या करूं भाभी, मेरी दाई आंख बहुत बुरी तरह से फड़क रही है। तू तो बहुत ही वहमी लड़की है। भैया जब भी मेरी दाई आंख फड़कती है कुछ न कुछ जरूर होता है। अरे कुछ नहीं होता बाबा, जा जाके सो जा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।
देख इस लड़की की तरफ, क्या कहे ढाए तूने इस पर? मैंने? हाँ तूने, चाहता तो वेल्जी और उसके बेटे की लाशें ले आता और तेरे कंधे पर लाद कर सारी दुनिया के सामने तेरी बेईमानी का जुलूस निकालता, लेकिन उन हरामजादों से ज्यादा रवि की मौत का जिम्मेदार तू है। रवि ने तुझे ईमानदारी दिखाई और तेरी बेईमानी ने उसे मौत। चल एफआईआर लिख। हाँ लिखवाइए। वेलजी के लड़के ने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। बहन जी यहाँ साइन कर दीजिए तेल लगा के। अगर कल सुबह का सूरज निकलने से पहले वो लड़का सलाखों के पीछे नहीं हुआ तो तू मौत की सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल। एक बात और बेल जी से कह देना, ये लड़की मेरी जान है, अगर किसी ने इसकी तरफ आग उठाकर भी देखा तो उसके सारे खानदान की आंखें निकाल दूंगा। ये आंखें जरूर निकाल सकता है वेल जी, तेल लगा के। तुम जरूरत से ज्यादा राजा से डर रहे हो मारू। मेरी जगह राजा ने तुम्हें धोया होता ना तो ये जबान चलने की बजाय हलक में अटकी होती तेल लगा के। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम मुझे ले जा नहीं सकते। देखो तुम लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करे और मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मारो, हमारा बेटा हमारी जान है, अगर हमारे बेटे की जान को आंच आ गई तो हम कितनी जान ले सकते हैं उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें? यार प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इतने बरसों के दोस्त हैं, मैं इसे ऐसे रखूंगा कि जैसे ये फाइव स्टार होटल में हो। हाँ इसकी जान पे एक ही सूरत में आंच आ सकती है और वो है वो लड़की जो आई विटनेस है। उस लड़की का क्या करना है, कैसे तेल लगाना है, ये तुम सोचो। चलो जा शाबाश। आप फिक्र मत करो भैया, सिद्धार्थ मेरा भी अजीज है, उसे पहचानने वाली आंख को मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।